हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स और मेरा नाम है आशा शर्मा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास सेवेंथ के चैप्टर नंबर 2 ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। दिस इज़ द बेसिकली वन पोयम एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस पोयम ऑल क्वेश्चन आंसर। सो let's start with the question answer of the chapter 2, which is the basically poem of class 7. If we will discuss about the publication of this book, so this is basically the New Image publication, and here are some question answer. So you can see on the screen the first question is showing, and the first question is, whose voice do you hear on summer afternoons? Where does he go when he is tired? So आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन भी हैं, लेकिन उन्होंने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन किया है। Whose voice do you hear on the summer afternoons? आप किसकी आवाज़ सुनते हैं दिन में? Where does he go when he is tired? जब वो थक जाता है, जब वो कहाँ जाता है? तो इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन एक दिया है, तो इसका आंसर भी कंबाइंड एक ही है। We can hear the voice of grasshopper on a summer afternoons. हम summer afternoons में किसकी voice सुनते हैं? Grasshopper की voice सुनते हैं। He goes under the weeds to the rest when he is tired. जब वो थक जाता है तो वो rest करने के लिए कहाँ जाता है? Weeds के under, नीचे। Second question, which insect takes over from the grasshopper in winter? Winter के time period में वो कौन सा insect है जो grasshopper की जगह लेता है? So this insect name is cricket. Cricket takes over from the grasshopper in winter. Third question, explain what the speaker means when he says the poetry of earth is ceasing never. मतलब आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि क्यों पोएट ने ये लाइन बोली। द स्पीकर मीन्स दैट द सॉन्ग्स ऑफ द नेचर आर नेवर एंडिंग। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, इट मीन्स दैट द वर्क ऑफ द नेचर नेवर एंड्स। द वर्क ऑफ द नेचर इज कंटिन्यू, दे डोंट टेक्स इट्स डजंट टेक ब्रेक। So in this line, the poet, the speaker want to say that nature are never ending. कभी भी nature का अंत नहीं होता है। So next question, last question, there are only the 4 question answer. 3 question answer clear हो चुके हैं, and the 4th is, why does the cricket song sound like the grasshoppers? कि क्यों क्रिकेट का जो सॉन्ग है उसकी जो साउंड है वो ग्रासहॉपर की सॉन्ग सी तरह लगती है। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इफ़ यू विल कंपेयर, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ लेंथी बट नॉट टू मच। व्हेन वन इज फीलिंग स्लीपी ऑन अ विंटर नाइट द क्रिकेट सॉन्ग साउंड्स लाइक द ग्रासहॉपर एज वी आर नॉट वेरी अलर्ट एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू साउंड्स। ऐसा होता है कि विंटर्स टाइम्स में जब क्रिकेट्स अपना सॉन्ग, मतलब जो अपनी आवाज़ निकालता है, तो उसकी वॉइस जो होती है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है ग्रासहॉपर की वॉइस से, जिसमें कभी कभी हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है ये एक क्रिकेट की है या ये एक ग्रासहॉपर की है। सो देयर आर ओनली द 4 क्वेश्चन आंसर एंड 4 क्वेश्चन आंसर हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो एंड आई होप यू वुड लाइक माय वीडियो। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द न्यू चैप्टर क्वेश्चन आंसर ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड। But now this time, thank you so much guys for watching this complete video and have a good day to all of you.